एंजल ब्रोकिंग को उम्मीद है कि इकोनॉमी में रिकवरी की प्रक्रिया जारी रहेगी। मजबूत त्योहारी मांग और सर्विस सेक्टर में तेजी के चलते इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। एंजल ब्रोकिंग का मानना है कि आगे बाजार को बैंकिंग और खपत वाले शेयरों से सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आईटी सेक्टर भी अच्छी तेजी दिखाएगा। दिवाली पिक्स के तौर पर एंजल ब्रोकिंग ने अशोक लीलैंड, स्टोवक्राफ्ट, श्रीराम सिटी यूनियन, फेडरल बैंक, शोभा, लेमन ट्री होटल जैसे नाम सुझाए हैं। आइए हम डालते हैं इन पर एक नजर। फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में एंजल ब्रोकिंग की 135 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि दूसरी तिमाही में बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है और आगे भी इसमें सुधार होगा। HDFC बैंक। इस शेयर में एंजल ब्रोकिंग की 1859 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बैंक की एसेट क्वालिटी काफी बेहतर स्थिति में है और आगे बैंक के कारोबार में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस शेयर में एंजल ब्रोकिंग की 1520 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। ब्रोकरेज हाउस की राय है कि बैंक अपने बुरे दौर से बाहर आ चुका है और आगे इसके एसेट क्वालिटी और कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। श्रीराम सिटी यूनियन। इस शेयर में एंजल ब्रोकिंग की 3002 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि COVID-19 संकट के बावजूद कंपनी की एसेट क्वालिटी खराब नहीं हुई है, आगे इसमें और सुधार दिखेगा। सुप्राजित इंजीनियरिंग। एंजल ब्रोकिंग की इस स्टॉक में 425 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आगे कंपनी के कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कंपनी नए प्रोडक्ट लेकर आने की तैयारी में है। इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आ रही तेजी से कोई बड़ा खतरा नहीं है। सोना BLW प्रिसिशन फॉर्गिनिंग्स। इस स्टॉक में एंजल ब्रोकिंग की 775 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग की रामकृष्णा फॉर्गिनिंग्स में 1545 रुपए के लक्ष्य के लिए, अशोक लीलैंड में 175 रुपए के लक्ष्य के लिए, PI इंडस्ट्री में 3950 रुपए के लक्ष्य के लिए, कार्बोरंडम यूनिवर्सल में 1010 रुपए के लक्ष्य के लिए, वर्पूल इंडिया में 2760 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेमन ट्री होटल में 84 रुपए के लक्ष्य के लिए, सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया में 979 रुपए के लक्ष्य के लिए, स्टोवक्राफ्ट में 1288 रुपए के लक्ष्य के लिए और अंबर एंटरप्राइज में 4150 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।